दो ही मेरे सामने रास्ते थे, एक तो कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का, दूसरा इस ज़िंदगी से संघर्ष करके कुछ सीखने का। जिस टाइम मेरी शादी हुई थी उस टाइम कुछ और दौर था और आज कुछ और, क्योंकि गांव एरिया है तो गांव एरिया में लड़की को शायद कहते हैं ना कि बस लड़का होता है तो खुशी ज़्यादा मनाई जाती है, तो वो दौर मेरे ऊपर से गुजरा है और उसके लिए मैंने सिलाई का कार्य चुना। सिलाई में लेडीज़ को बाहर नहीं जाना पड़ता है, दूसरी बात कम बजट में हो जाता है काम, तीसरी बात जब काम आ जाए तो अपने आप उसकी सराहना होती है, अपनी ड्रेस है खुद वो सिल के पहन सकती है। और आज आज का ये दौर है कि मैंने मेहनत करके हिम्मत करके आगे बढ़ती रही और आज मैं सिलाई के कार्य में निपुण होकर खुद ट्रेनिंग लेकर सिलाई का कार्य कर रही हूँ। और खुद दूसरों को ट्रेनिंग भी दे रही हूँ और उनके साथ में मिलकर काम भी। पति मेरे जो थे खेती में थे, खेती करते थे, खेती में इतनी इनकम नहीं हो पाती थी। कहने को यही है कि पुरुष जो होता है घर का मुखिया होता है और उसी के कंधों पर सारी जिम्मेवारियाँ होती हैं। हालात ऐसे थे कि बच्चों के लिए कपड़े वगैरह भी खरीदने भारी पड़ते थे। मुश्किल दौर से निकलते हुए हमने अपनी हिम्मत से जिस दिन से मैंने सिलाई का कार्य शुरू किया उस दिन से लेकर और आज तक लड़की की शादी कर चुकी हूँ। हम अभी सहयोग मिला इनकी वजह से, हम कुछ हम कमावे हैं कुछ या कमावे हैं, घर का काम बढ़िया चल रहा यो नु समझ कंधे तो मिलाएगा कंधा चल रही। पुरुष बड़ा नहीं होता है ना महिला बड़ी होती है, बड़े होते हैं विचार। मैंने खुद अपनी लड़की को इतना तजुर्बा सिखा दिया कि कोई भी स्थिति आए वो डगमगाए नहीं। और मैं तो जब ये कहती हूँ कि अगर लड़की होती है किस्मत वालों को मिलती है, और लड़की होना कोई साबित नहीं होता है, लड़की होना तो एक हुनर की बात है कि जिसके घर में लड़की है उसके घर में लक्ष्मी भरपूर। डीए संस्था में मैंने टेलरिंग का पूर्ण कोर्स करके अपने आप को इस काबिल बनाया कि मैं दूसरों को ट्रेनिंग दे सकूँ।